कैसे हैं? वेलकम टू राज मैथ क्लासेस सोनू जी, मैं आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, और फंक्शन का अगला लेक्चर बताते हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था तुम्हारा, ठीक है, उसमें हमने साइन का साइन एक्स बाई बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बता दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये तुम्हारा है वाई बराबर एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सेकेंड फंक्शन है तुम्हारा, कॉस वाला। ठीक है, ये छह होते हैं तो मेन ग्राफ इनके साइन कॉस टेन के ही होते हैं। ठीक है, और बाद बाकी तो इमेजिंग बन जाती है ऊपर को इनकी। ठीक है, तो इसके ग्राफ को हम शो करते हैं आज। जैसे इसके ग्राफ को बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, जैसे इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो एंगल लिया हमने, एंगल है ये, देन वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू कॉस जीरो क्या होता है हमारा, वन होता है। कॉस जीरो क्या होता है, वन। इफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, चलो थर्टी लिख देते हैं, थर्टी, देन y इक्वल टू cos 30 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, ये पॉइंट एट के करीब आता है तुम्हारा, पॉइंट एट के करीब आता है तुम्हारा, कितना, पॉइंट एट, जीरो पॉइंट एट के करीब। और इफ x इक्वल टू 45, देन y इक्वल टू cos 45, cos 45 का मतलब वन अपॉन रूट टू, ये आता है पॉइंट सिक्स के करीब। ठीक है, कितना, पॉइंट सिक्स या सेवन के आसपास आता है, जीरो पॉइंट सेवन लिख दे रहा है। और ये इफ एक्स इक्वल्स टू 60, देन वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा तुम्हें, कॉस 60, और कॉस 60 होता है वन बाई टू, का मतलब 0.5 होता है ये, लगभग लगभग क्या होता ही होता है। ठीक है, और जैसे x इक्वल्स टू 90 बने, x इक्वल्स टू 90, देन y इक्वल्स टू cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, sin cos 0 वन होता है, sin 90 क्या होता है, जीरो होता है तुम्हारा। ठीक है, अब इसका, अब देखो जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे 120 150, ठीक है, तो ये नेगेटिव में इमेजिंग मिलेगी तुम्हारे लिए, किसमें, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। और ठीक है, तो इसी से ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। देखो अब ग्राफ बनाते हैं तुम्हारा, देखिए ये है तुम्हारी नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन है तुम्हारी, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो यही कहीं होगा, बाई प्लस टू वन मिला, मैक्सिमम वैल्यू वन यहां दे दी हमने, और ये माइनस वन मैक्सिमम वैल्यू ये दे दी। ठीक है, अब x बराबर जीरो पर y का मान क्या मिला है, वन मिला है, बाई प्लस टू वन, तो ग्राफ यहां तक जाना चाहिए। और अब जे मान लिया हमने पाई यहां तक है, पाई यहां है, तो यहां पाई बाई टू होगा तुम्हारा, कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, जब 30 होगा, जब 45 होगा, जब 60 होगा, ऐसे करके ये होगा तुम्हारा। जीरो पर वन है, 30 पर कितना है, 0.8, 0.8 यहां पे ही होगा तुम्हारा, और 45 पर 0.7 यहां पे ही होगा तुम्हारा, और 0.5 आधा, आधा मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और जीरो इस टाइप से सिंपल बनेगी, ऐसे करके स्लोप टाइप बनता है। ठीक है, स्लोप टाइप ये बनता है तुम्हारा, ऐसे इधर को चला जाएगा 90 पे, समझ रहे हो। और यहाँ माना है तुम्हें
ये ऐसे निकलेगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ तुम्हारा बनता है, ऐसे ये ग्राफ तुम्हारा बनता है कॉस का, 90 माइनस 90, ठीक है। और ये 2π पर रिपीटेशन होने लगा, 90 π, 180, 270, 360, ऐसे करके चलता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है तुम्हारा, ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है x एक्सिस, y एक्सिस, ये सेंटर है। तो देखो माइनस वन से नीचे कहीं ग्राफ नहीं जाएगा इसका मान, और ये मैक्सिमम प्लस वन से ऊपर कहीं नहीं जाएगा मान, ठीक है। तो इसका अब करैक्टर लिखते हैं हम, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉस की जगह 2x आ जाए, 5x आ जाए, 3x आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके करैक्टर सेम रहते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे लिखते हैं हम, पहला सबसे पहले डोमेन लिखते हैं इसका, डोमेन, डोमेन तुम्हारा क्या होता है इसका, भाई एक्स एक्सिस पर फैला, तो ये पूरे एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या पूरा रियल नंबर, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज, रेंज तुम्हारी क्या होती है, बाई एक्सिस पर फैला होता है तुम्हारा, किस पर, बाई एक्सिस पर, तो बाई एक्स पर ये कर्व मैक्सिमम वन तक गया है और मिनिमम माइनस वन तक गया है, तो इसकी जो रेंज होगी माइनस वन से वन होगी तुम्हारी, ठीक है। अब वन वन और नॉट, वन वन और नॉट, एक जैसे ही कराए हैं सभी फंक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सीक्वेंस में, पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, फिर ऐसे करके, तो वाई एक्स अक्ष के कोई लाइन खींचे पैरेलल, तो ये एक कर्व को कई जगह कट करेगी, तो ये नॉट वन वन, दूसरा ऑन टू और नॉट, ऑन टू और नॉट, ऑन टू का मतलब जो ग्राफ पूरे वाई एक्स पे फैला हो वो ऑन टू होता है, अदरवाइज नॉट ऑन टू, तो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अच्छा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तुम्हारी, अब इस ग्राफ को कहीं तक ले जाइए आप, पूरे अक्ष पर फैला हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल कोई भी टेंजेंट कहीं भी खींच सकते हो, ये डिफरेंशिएबल होगा तुम्हारा, डिफरेंशिएबल होगा तुम्हारा, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होगा तुम्हारा, ठीक है। और देखो ये इवन और ऑड वाला मामला भी है इसमें, देख सकते हो जैसा पहले क्वाड्रेंट में है ग्राफ, वैसा ही दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ बन रही है इसकी, तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन भी होगा। अगला करैक्टर इसका है इवन और ऑड, चेक कर लो, इवन और ऑड, तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन। अगला ये पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक वाला फंक्शन एक पेपर में पूछा जाता है तुम्हारा, तो देखो cos x का जो पीरियड होता है वो 2π पर रिपीट करने लगता है, यहाँ के बाद देखो यहाँ से कितने के बाद ये फिर सेम ग्राफ बनेगा इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2π, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा तुम्हारा, और इसका पीरियड इक्वल्स टू 2π, चाहे तो cos x हो चाहे cos पे पावर q हो, इनके सबके पीरियड क्या रहते हैं, 2π रहते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये करैक्टर हो गए तुम्हारे, बढ़िया करके इनके पढ़ लीजिए, एक 10 का और बचता है, उसके बाद तुम्हारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। देखो फंक्शन के विदाउट फंक्शन कोई भी टॉपिक क्लियर से समझ में नहीं आता तुम्हारा, पूरा डीजीटी पीजीटी जीआईसी जो भी है, तो फंक्शन आपको बढ़िया से आना चाहिए, और फंक्शन से भी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे, ठीक।
ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले।